सियासत के मैदान में सरगर्म और अवामी खिदमत के लिए दिन रात काम करने वाली खवातीन अपने अहल खाना के साथ एक आम खातून की तरह ही रहती हैं। तहरीक इंसाफ की रुकने पंजाब असम्बली सादिया सुहेल राणा ने ईद उल फितर अपने अहल खाना के साथ घर में मनाई, जहां वो अमूर खानादारी को बखूबी सर अंजाम देती रही और अनवा अकसाम के पकवान तैयार करके घर वालों की खुशियाँ दुबाला करती रही। सादिया सुहेल राणा कहती है की वो ईद के दिनों में अपने अहल खाना के लिए न सिर्फ मुख्तलिफ खाने बनाती है बल्कि एक आम घरेलू खातून की तरह ईद मनाती है। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पॉलिटिशियंस भी इंसान होते हैं, उनकी भी फैमिलीज होती हैं और जो अपनी फैमिली बच्चों के साथ ईद की तो खुशियाँ यही होती हैं कि आप अपने लोगों से मिलें, जो दिल में कुदरते हैं उनको खत्म करें, प्यार मोहब्बत बांटें। सादिया सुहेल के शोहर भी उनके घरेलू अमूर की अंजामदही पर खुश हैं। सुहेल राणा का कहना है कि अहलिया की सियासी मसरूफियात अपनी जगह, लेकिन ईद के आयाम पर वो एक मशरकी बीवी की तरह अहले खाना का ख्याल रखती हैं। हम तो पॉलिटिक्स से पहले से वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी हाउस वाइफ थी, पॉलिटिक्स में अब बहुत मसरूफ़ हो गई हैं विच इज़ नेचुरल, तो फिर उसमें ऐसी छुट्टियाँ आ जाएँ ईद की तो डेफिनेटली एक बड़े हम सब फैमिली के लिए खुशगवार तब्दीली होती है और बच्चे खास तौर पे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, मैं तो करता ही हूँ इनकी प्रेजेंस को इंजॉय। सादिया सुहेल राणा के बच्चों का कहना है कि वालिदा की सियासी मसरूफियात उनकी कमी का एहसास दिलाती हैं, लेकिन मजहबी और कौमी त्योहारों पर सारा दिन वालिदा के साथ रहने से उन्हें खुशी हुई है। कैमरामैन वसीम निसार के साथ अली अकबर, सिटी 42।